हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सतना क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख कुलदीप कुमार जी के साथ हैं। कुलदीप कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बने थे और सतना क्षेत्र के विधायक संगीत सोन जी के खास माने जाते हैं, उनकी विशेष कृपा रही और राजनीति के एक तरह से इनके गुरु कहे जाते हैं ठाकुर संगीत सोन, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये ब्लॉक प्रमुख बने थे, ऐसा कुछ कहना है कुलदीप कुमार जी का। और कुलदीप कुमार जी से आज हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। कुलदीप कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जो जिस तरह से आप ब्लॉक प्रमुख बने थे, ठाकुर संगीत सोन जी के जो विधायक हैं और उनका बताया जाता आप काफी मतलब आपके विशेष आशीर्वाद है। हाँ जी, विशेष आशीर्वाद था, बहुत छोटे भैया की ढाल मारने का आशीर्वाद था। तो बहुत बड़ी कांटे की टक्कर रही थी इसमें। हाँ जी, बहुत बड़ी टक्कर रही थी। अतुल प्रधान था दूसरी पार्टी की तरफ, विधायक संगीत सोन जी हमारी तरफ थी। तो जैसे कि उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये ब्लॉक प्रमुखी का जो पत्ता, इसमें आपकी कितनी वोट थी सर? हमारी वोट तो इसमें पूरे ब्लॉक में तो थी 74 वोट। हाँ। और हमें मिली थी 63 वोट। तो 74 वोट में 63 वोट पा करके ये ब्लॉक प्रमुख बने थे कुलदीप कुमार जी। तो कुलदीप कुमार जी, आपका ये कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, तो ये कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल हमारा ठीक रहा जी, कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ आफत नहीं आई या कोई किसी ने आरटीआई नहीं डाली, ठीक रहा हमारा। तो यहाँ पर आपने विकास कार्य जो आप कराना चाहते थे उसमें कितने कामयाब रहे? विकास कार्य में तो समझो हमारे मोदी जी की नेतृत्व में प्रधान जी को डायरेक्ट पैसा दे दिया था, हमारे तो पैसा ही बहुत कम रहा, 5 साल में 1 करोड़ पाया। अच्छा, मतलब जैसे कि पहले पैसा आता था इस तरह से नहीं, डायरेक्ट जो है प्रधान के खाते में पैसा आया। हाँ, और इसमें जो है आपका, लेकिन फिर भी आपके निर्देश अनुसार जैसे आपने छोटे मोटे कामों में थोड़े थोड़े खड़े लगवाए, पर वो बात नहीं है जो पिछली योजना में बात थी। पिछली योजनाओं में जैसे होता था वो बात नहीं रही। अच्छा, अब आप ये, मैं आपसे एक दूसरा डायरेक्ट एक सवाल कर रहा हूँ। ये जो हाथरस कांड है, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ प्रशासन के द्वारा उसका इलाज में लापरवाही, फिर उसके बाद जो है उसका अंतिम संस्कार रात को कर दिया गया, तो इस पर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी की सरकार है, तो इसमें आप किसका फेलियर मानते हैं? नहीं, इसमें तो जैसे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है, उन्होंने इस चीज का मुद्दा बनाया। उसमें देखो, जो निर्दोष है, जिसने कोई काम करा है वो निर्दोष है, तो निर्दोष ही जेल जाना चाहिए। इन्होंने तो पार्टियों ने उसका वो बढ़ा दिया, हंगामा उठा दिया, और भाई नू है और बीजेपी नू कर रही है, भलाना नू कर रहा है, तो सब इनका कांग्रेस वालों का समाजवादी का टारगेट रहा और पार्टी को गंदी कर दे। तो ये आपका ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन को गंदा करने के लिए सपा और कांग्रेस ने और राष्ट्रीय लोकदल ने इन्होंने मतलब इसे बदनाम किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बदनाम किया। तो असलियत में जैसे जो उसके गुनाहगार हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उनके गुनाहगार हैं, गुनाहगार ही जेल जाने चाहिए। हाँ। भाई निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए, हत्या हो जाएगी, जो गुनाहगार है वही जेल जाना चाहिए। अच्छा, बेटियों के साथ जो सुरक्षा का मामला है, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं काफी हो रही हैं, और ये जो ये कैसे रुक सकती है, क्या होना चाहिए? नहीं, बेटियों की भाई अपनी बेटियों की देखभाल, अपनी माँ की भी बात है, माँ की देखभाल रखेगी तो उसके निगाह में रहेगी तो ठीक रहेंगे बच्चे। अब हमारे बच्चे भाई, अब हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमारे बच्चे कहाँ गाँव में किसके दौरे बैठने जा रहे हैं, तो वो तो आप माँ बाप को भी देखभाल करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई होड़ थोड़े कर देगा। सरकार का इसमें क्या रोल? सरकार को हिफाजत नहीं करनी चाहिए? नहीं, सरकार को हिफाजत करनी चाहिए, सरकार को संस्कार सही देने चाहिए। भाई सरकार हर इंसान की थोड़ी हिफाजत कर देगा, तो आप समझो माँ बाप की तो कुछ फर्ज हो, अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे पढ़ने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो BDC जो मेंबर हैं वो आपसे खुश रहे या मतलब नाराज रहे? नहीं, BDC महाराजा खुश रहे जी, जो हमारा निधि आयो निधि हमने लगा दी थी, कपार कार्यक्रम चल रहा। आगामी 2021 में चुनाव होने की संभावना है, प्रधान पद का बताया जा रहा है कि 21 में चुनाव हो सकता है, तो इसमें क्या अगले कार्यकाल के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अगले साल की कार्यकाल चल रही, पर देखो चुनाव तो अपने हाथ में थोड़ा ही है, जीतना ना जीतना तो जनता के हाथ में हो, तैयारी तुम्हारी फुल है।
अच्छा, सतना क्षेत्र के विधायक संगीत सोम विकास कार्यों में कहा जाता है कि इतने विकास कार्य नहीं करा पाए, जबकि दूसरी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन जितनी इनसे उम्मीद थी लोगों को उतना कार्यकाल नहीं करा, इसकी क्या वजह? नहीं, विधायक जी ने तो बहुत कार्य करता हुआ है, बहुत कार्यक्रम चल रहे, बहुत काम चल रहा है। विधायक जी की कोई गलती कुछ नहीं, विधायक जी का बहुत काम। आप मतलब संतुष्ट हैं विधायक जी? हाँ, विधायक जी संतुष्ट हैं जी। आप नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कॉलेज लाने चाहिए। हाँ नहीं, शिक्षा के बारे में कॉलेज आने चाहिए, एक बार कॉलेज आ जाता, डिग्री कॉलेज आ जाता, क्षेत्र में तो मोर भावा हो जाते। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो है जैसे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को हाथरस में जो पीटा गया, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, तो कुछ लोग जो भाजपा में भी थे, जाटों में, वो जाट बिरादरी के लोग, वो भाजपा से नाराज हैं, वो सब जो राष्ट्रीय लोकदल में वापस जा रहे हैं, ये इससे क्या भाजपा में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, भाजपा में तो फर्क पड़ेगा ही। खैर भाई, देखो वोट अभी अपना कार्यक्रम वाले सब इधर उधर जाएंगे तो फर्क तो पड़ जाएगा, पर जब उन्हें मना होंगे उनके दौरे बैठेंगे सब आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि सब लोग जो है आ जाएंगे? हाँ जी, सब लोग आ जाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश है अपना पार्टी को संभालो, ठीक ठाक चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा ठीक दो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको